अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने बात करनी है जी, बागों का शहर लाहौर अब मुसलसल आलूदगी की नज़र होता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ स्मोक के साए बढ़ते जा रहे हैं, स्मोक गहरी होती जा रही है। हमारे लिए, आपके लिए, इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है इस फ़ज़ा में। ये जो इस वक्त फ़ज़ा है, इसमें सांस लेना बहुत सारी बीमारियों को दावत देना है। बहुत सारी बीमारियाँ हम सांस के साथ अपने साथ अंदर लेके जा रहे हैं। और ये स्मोक की वजह क्या है? सबसे बड़ी अहम बुनियादी वजह है जी ये ट्रैफिक का धुआं। ऐसी गाड़ियां जो कि धुआं छोड़ती हैं, चाहे वो मज़दा है, ट्रक है, छोटी गाड़ियां हैं, चिंगची रिक्शा है, मोटर बाइक है, कोई भी गाड़ी जो धुआं छोड़ रही है वो फ़ज़ा को बहुत आलूदा कर रही है। दूसरा, हमारी स्टील मिल्स हैं, हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जहाँ पर गैर मेयारी ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है। आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे आपको कि महकमों की जानिब से क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, हमारे लोग कितना इस मामले को समझ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियों पर बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज पर बात हो रही है, लेकिन हमारे लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि ये कितना बड़ा फिनोमेना, कितना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है इंसानी सेहत के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए, ये कितना ख़तरनाक है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, स्मोक बनने की जो एक बहुत बड़ी वजह है वो गाड़ियों का धुआं भी है। और हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं, मुख्तलिफ टीम्स हैं जो चेक कर रही हैं। कैमरामैन भाई दिखाइए ज़रा क्या हालात है सर इसके। ये धुआं दे रही है जी, कुछ ये पासिंग की तरफ जी, पासिंग विक्स की मॉश पासिंग नहीं है, मालूम से पासी है। तो आपके कोई लाइसेंस वगैरह कोई चीज़ लर्निंग है मेरा ना, आप गाड़ी भी चला रहे हैं, इसका एलटीवी लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, कोई नहीं है किसान साहब। फैमिली बैठी है बीच, घर का सामान लोड किया है साहब। लाइसेंस नहीं है, गाड़ी के कागजात नहीं है, पासिंग नहीं है। चार पांच दफ़ा मैंने की है कोशिश लाइसेंस बनाने की, लेकिन मैंने एक दफ़ा लाइसेंस लर्निंग बनवाया, उन्होंने कहा 42 दिन बाद ट्राई देनी है। लेकिन वहाँ नारोवाल गाँव रहने वाला हूँ, वहाँ पर उन्होंने 42 दिन बाद मैं गया था, वहाँ पर DSP नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने, मैंने पूछा था उनसे, मैंने कब आएँगे, उन्होंने कहा 2-3 महीने बाद आएँगे, आने लगे तो शायद कल आ जाएं, नहीं तो महीने 2 महीने। भाई ऐसा तो नहीं होता ना भाई साहब। सर लाइसेंस इतना ही मुश्किल बनता है, वो कह रहे हैं लाइसेंस बनवाने गए, बनाया ही नहीं 2-3 महीने बाद। ये सब इनकी अपनी जो है ना वो लाया अमली है कि हम वहाँ पे गए, इजी टू वे है, कोई ऐसा मसला नहीं है लाइसेंस का। सिर्फ ये है कि अब लाइसेंस जिस तरह ये लोग पहले बनवाते थे ना कि पैसे दे दिए किसी को, एजेंट को दे दिया, अब वो काम CTO साहब ने ख़त्म कर दिया हुआ है। तो लाहौर की बात होगी ना, वो भाई हमारे नारोवाल से आए हैं, वहाँ की बात। नारोवाल में भी जो है वो सिस्टम सब, वहाँ पे भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। 3 जो लर्निंग है ना वो इसी तरह मैंने ज़ाया कर दिया, ये आखिरी लर्निंग है जो ये भी ज़ाया हो गया। ज़ाया नहीं होता, लर्निंग में एक मियाद होती है 4 हफ्ते की, जब वो 4 हफ्ते बाद ये नहीं जाएंगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर जब इसको रिन्यू कराएंगे फिर नहीं जाएंगे तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। मैंने मतलब यह कि आपने एक दफ़ा मैंने बनाया था, उन्होंने कहा 42 दिन बाद ट्राई देनी है, मैं 42 दिन बाद वहाँ पे गया था लेकिन वहाँ पे कोई DSP नहीं था, बंद था। उन्होंने कहा आने लगे तो कल आ जाएं, नहीं आए तो शायद 2-3 महीने लग। DSP साहब ना हो तो लाइसेंस नहीं बनता क्या? नहीं, वहाँ पे अथॉरिटी मौजूद है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये कोई सरगोधा भी है, अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, हर जगह पे नेटवर्किंग 5G आ गया, 4G आ गया, हर जगह पे चल रहा है। ये सिर्फ इनके अपनी क्यास रही है कि जी वहाँ पे DSP नहीं था, अब जारी बात है हमने यहाँ से नहीं है। बात जो मैंने कह रहा वो बिल्कुल 100% सच है, मैंने 2-3 दफा। बात ये हो कि अगर इनका नहीं है, या आपकी कहाँ की रिहाइश है? शकरगढ़ की। अब भाई हम यहाँ पे गाड़ियाँ रोकते हैं, आपको शकरगढ़ के बंदे ही होंगे, उनके पास लाइसेंस होगा, तो अगर उनके पास है तो फिर इसके पास क्यों नहीं, या तो फिर किसी के पास ना हो। हमें भी समझ आया कि भाई वहाँ का किसी के बंदे के पास लाइसेंस ही नहीं है, एक बंदे के पास नहीं है, 10 बंदे के पास है, तो इस बंदे की बात हम कैसे मान लें भाई? अक्सर हमेशा हो जाता है ऐसा, हो नहीं जाता। आप आज जो है ना वो गलत बैनी से काम ले रहे हैं, आपने लाइसेंस, आप इस टाइम विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं, बेसिकली बात यह है, और उस चीज को छुपाने के लिए, लाइसेंस से चलान से बचने के लिए ये क्या? नहीं 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 भाई, मैंने कोशिश की है इतनी दफा, मेरे चलान भी होते हैं, मुझे कोई इतनी नहीं है कि मैं बार बार 750 का या 400 का 500 का चलान करवाता रहूँ डेली। एक कितना पैसा मामूली से, या 5,000 या 6,000 रुपया लगेगा ट्राई के बाद देने के बाद,
मुझे ये रोजाना डेली 700-750 का 1000 रुपए का चलान करवाने की जरूरत नहीं है। ट्राई के बाद 5-6 हज़ार रुपए नहीं लगते, ये तो 1300-1400 रुपए में लाइसेंस। मैं वही बात आ गई ना, एजेंट वाली इतने लेते हैं वहाँ भाई, नहीं लेते मैंने, हमें पता नहीं है वही आ गई एजेंट की, क्योंकि एजेंट वर्किंग हमने खत्म कर दी हुई है हर जगह पे। और जो है हमारे DIG साहब हैं, उन्होंने वहाँ पे भी विजिलेंस टीमें तैयार की हैं जिन्होंने छापे मारे हैं, और जो कोई एजेंट मुलविस थे उनको पर्चा गया उन पे, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। ये 2-3 हज़ार तो मैंने कहा ना, ये 2-3-4 हज़ार रुपया इन्होंने कम से कम वो वहाँ पे हमें लेते हैं कोई 10-12 हज़ार रुपया भी ले लेते हैं। अरे ना करें भाई साहब, भाई साहब 1300 रुपए में लाइसेंस बनता है, 1300 रुपए लेते हैं। अगर ट्राई कोई देता होगा ना, वैसे भी कभी कभी ट्राई के 200 रुपए अलग होते हैं, उसकी फीस अलग होती है 200 रुपए। पहले 120 रुपए का वो मैंने डाकखाने से लिया था टोकन, वहाँ से ले गया, वो लेकर फिर मैं गया था उनके पास ट्रैफिक पुलिस पर, उन्होंने पहले मुझे कोरोना वैक्सीनेशन, मैंने एक इंजेक्शन लगवाया था डोज, उन्होंने कहा ना दूसरा भी लगवाएं, मैंने दूसरा भी लगवाया, फिर उनके पास गया था, फिर लर्निंग बनवाया पहला, फिर उन्होंने क्या ट्राई देनी है। अच्छा, लर्निंग कौन से महीने में बना हुआ है जरा ये तो दिखाइए हमें। 2022 15 फरवरी 2022 का लर्निंग इशू है। अब फरवरी से आगे आप आ जाएं, अब नेक्स्ट फरवरी आने वाली है, ऑलमोस्ट 10 मंथ्स इसको हो चुके हैं, और 10 मंथ्स में इसने ये दोबारा रिन्यू तक नहीं करवाया, सिर्फ इसने कोशिश की है, कोशिश इसकी एक दफ़ा ख़त्म होगी, अगर इसकी ने कोशिश की होती ये रिन्यू हुआ होता। भाई 3 दफ़ा बनवाया, ये आखिरी दफ़ा, फिर मैं उसके बाद गया नहीं, ये आखिरी दफ़ा है यानी कि, और उसके बाद से 10 महीने ऊपर चले गए हैं। भाई कैसे बनाता, इतनी मुश्किल पैदा कर देते हैं वो, आसान वो 10-10 तो फिर कोई नहीं है, 10-15 हज़ार रुपया वो मांगते हैं। दूसरी तरफ ये भी ये कहते हैं कि वहाँ पे कोई है ही नहीं, DSP साहब भी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं, लाइसेंस बन ही नहीं रहे। मैंने क्यों कहा था कि वो 10-15 हज़ार रुपया मांगते हैं, वो इसलिए क्योंकि दूसरे भी ड्राइवर हैं जिन्होंने बनवाया है, और मैंने उन्हीं से पूछा, उन्होंने कहा इतने पैसे लेते हैं। ये बयानिया पहले दिया है कि वहाँ पे कोई नहीं है, आपने यही बयाना दिया कि जी वहाँ पे बन ही नहीं रहे, और अगर वो बन ही नहीं रहे तो फिर पैसे कौन मांग रहा है? जरूर रहे हैं, मैंने ये नहीं कह रहे बन ही नहीं, मेरी बात सुने, मैंने कहा बन रहे हैं, लेकिन वहाँ लेकिन बाद आ जाए, शायद 2 महीने बाद आ जाए या कल आ जाएं, इसका पता नहीं है कि वहाँ पे DSP कब आ जाएगा। नहीं नहीं कि जी बन रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी महीने बाद आ जाएं, ये बातें जो ना ये क्या रही हैं, सिर्फ सब नेगेटिव है। आप लाइसेंस बनवाने गए नहीं है 10 महीने से? भाई मैं बनवाने गया हूँ, ये बात सच है, रिन्यू हुआ है बकौल आपके, ये आखिरी है कि 2 दफा मैंने ट्राई कर चुका हूँ और तंग आ चुका हूँ, फेल हो गए हैं ना, आपका लाइसेंस बना नहीं है, दी नहीं है लिया उन्होंने। जी आगे भी चलते हैं, ये इस तरह के जो मामलाते हैं ये रूटीन है कि एक हम खिलाफवर्जी करते हैं फिर दूसरा हम मानते भी नहीं है। एक और आगे गाड़ी है उसको भी रोका गया है, उसको भी देखते हैं उसके साथ क्या मामला है। अली जो सब ये बहुत सारे मामलात इकट्ठे हो जाते हैं जब खिलाफवर्जियां सामने आने लगती हैं, रूटीन है ये हमारे ड्राइवर्स की और जो गाड़ियों के मालिकान हैं, रूटीन है ये उनका ये वाला रवैया। यूजुअली एज नेशन हम कानून मेरे ख्याल में तोड़ने में फख्र महसूस करते हैं, और कोई बाईपास रूट ऑलवेज तलाश करने की कोशिश होती है, हालांकि ये मुश्किल काम नहीं है कि आप एक सर्टिफिकेशन करवा लें उसकी, अगर आपकी गाड़ी ठीक है तो वो पास हो जाएगी, नहीं है तो उसको ठीक करवा लें, आपकी अपनी भी सेफ्टी है उसमें। हालांकि विक्स का बड़ा अच्छा सिस्टम है जो मैंने देखा है कि वो इंटरनेशनल कंपनी है और उसमें कोई इस तरह के हर्डल्स भी नहीं है, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हमें आते हैं वैसे गवर्नमेंट लेवल पे, वो इस तरह का कुछ भी नहीं है, कुछ 14-15 मिनट में वो गाड़ी पास कर देते हैं अगर हो रही हो तो। सर इनका धुआं शुआ क्या क्या मामला है इनके साथ? ये इनके पास ना विक्स की पासिंग भी नहीं है, धुआं भी दे रही गाड़ी। लसन साहब के पास? लसन साहब मेरी पासिंग क्लियर है, पासिंग की मेरी टेंशन नहीं है, पासिंग जिधर मर्जी ले जाए, मेरी पासिंग ना क्लियर हो मैं जुर्मेदार हूँ। हाँ जी, धुआं एक रेस पैर पे रेस दो गाड़ी धुआं मारे मैं जवाबदार हूँ, जैसे आप रेस देते हैं ऐसे 90 गाड़ी भी धुआं मारेगी यकदम पैर दोगे तो। आपने पासिंग भी लेट करवाई हुई है, उसके पंप नोजलों का काम करवाएं, आप नीचे आके चेक कर लें, मैं आपको रेस आप जैसे देते हैं वैसे ही दूंगा, आप चेक करें दो रेस दीजिए जी। एक मिनट अभी इसको क्या धुआं मारे, अब धुआं चेक करें आप उधर जाके, इसका धुआं दिखाएं तो सही मुझे, ऐसा देंगे तो इसको हर गाड़ी मारेगी धुआं, इसको क्या गाड़ी बंद कर दे, हम इधर चौक बंद कर दे, कोई मत का ये सीन होता है ना,
इनका ये सीन है। बाकी ये क्या हुआ है, जब हम उन भाई ने रेस दी तो धुआं छोड़ दी थी, लेकिन जब ये भाई साहब रेस दे रहे हैं तो धुआं नहीं छोड़ा। इनकी साथ कार्बन नहीं है गाड़ी, इन्होंने गाड़ी की कार्बन साफ नहीं करवाई, नोजल पंप साफ नहीं करवाई, वो साफ करवाएंगे धुआं ठीक हो जाएगा। जब हमारे नहीं रे सर, किधर से धुआं साफ करें, अभी तो 15 दिन हुआ, इंजन करवाएगा, पंप करवाएगा, कैसे करवाएं? अरे गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आराम से बात ना सर करें, और क्या करें, डेली का 2000 और 3000 का चलान कराएं तो, और मोटरवे पे भी चलान होते हैं, कोई माफी है? मालिक आ गए हमारे गाले पे टोर जाते हैं, क्या कर रहे हैं, हम चोर है ना, इसीलिए सीन ये है। अगर ये विक्स की गाड़ी करवाएगा ना, विक्स की पासिंग करवाएगा, उस पर गाड़ी का धुआं पास होगा, ठीक है, गाड़ी वो ईच एंड एवरीथिंग उसकी पास करेंगे, लेकिन इस भाई ने स्टिकर भी लगा, रोड टोकन हर शेयर क्लियर है, लाइसेंस मेरे पास ओके है, जिधर मर्जी ले जाए मेरी पासिंग, दो नंबर है मुझे बताएं, गवर्नमेंट ने किया ना, हमने तो नहीं की, तो मुझे बस साबित कर दे सर, क्या इदारे का मसला है, क्या मसला है, वो भाई साहब तो कह रहे हैं ये मसला ये है कि इस भाई ने गाड़ी का पासिंग करवाई है, हमने कब कहा कि पासिंग दो नंबर करवाई, पासिंग क्लियर है इनकी, पासिंग क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, पासिंग क्लियर है आपकी, गाड़ी की कार्बन साफ करवानी है, गाड़ी का सिलेंसर साफ करवाना है, गाड़ी की नोजल पंप साफ करवानी है, वो तो इन्होंने करवानी है ना। स्मोक की सबसे बड़ी वजह जो एयर पोल्यूशन है वो ये बनती है ये कार्बन साफ नहीं करवाते, 15 दिन हुए टोटल इसका इंजन करवाए और पंप नोजलें करवाई, 15 दिन बाद हम आज पंप खुलवा लें, इस पे लिखा हुआ मुझे दिखा दे 15 दिन में करवाया, मैं आपसे कोई बात नहीं करता, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं बात ही कोई नहीं करता, लिखा ही नहीं है, ये वो नहीं होता ना, इस तरह नहीं होता ना जैसे आप कर रहे हैं, क्यों नहीं है भाई साहब, आप वो आपको मदद कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत मसला है ठीक करा लें, हम कराते हैं, हमारा डेली का काम है, गाड़ी आती बाद में मिस्त्री हमारा पहले बैठा हुआ है, अभी वर्कशॉप से निकल के आ रही है, ये भी नहीं कि वर्कशॉप से नहीं, बस चेक कर रहा था, सिर्फ टायरों का मसला था, नेक नेक उधर ले जो टायर उधर दुकान से डलवा के लेके आओ। अच्छा भाई आज आप गुस्से में क्यों है, इतना ये बताइए, नाराज क्यों, उधर रोड पे रोकी रखा है। अच्छा। 2-3 घंटे टाइम उधर जाया गया, अभी 2-3 घंटे इधर करेंगे, वहाँ क्यों रोका, इसी वजह से, इसका मतलब है कोई गड़बड़ है कि गड़बड़ है, मुझे चेक करवा दे धुआं, मैं एक पैर से धुआं दे गाड़ी तो मैं जवाबदार हूँ, ऐसे छंड के रेस कोई भी जीरो गाड़ी ले आ, मैं छंड के रेस देता हूँ, वो भी धुआं मरेगी। हाँ जी सर, ऐसा भी कोई चक्कर है रेस देने में? इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, हम सुबह से खड़े हैं यहाँ पे, 2 नहीं तो 3 चलान किए हुए होंगे, अभी हमने चलान भी नहीं किए, मतलब कि इसका भी ऐसा कुछ नहीं है सीन, अभी सीन ये है कि भाई के पास पासिंग है, उसको रोका है, उससे पूछा है सिर्फ, ठीक है, बात ही नहीं कोई की उसके साथ, अभी इसके साथ बात कोई नहीं की, अभी आपके सामने चेक किया है, इसे कहा भी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ इसे ये कहा है कि अपनी नोजल वार्निंग वाला मामला है, क्योंकि भाई साहब बहुत परेशान है कि पहले भी उनको रोक लिया फिरोजपुर रोड पे, रोका होगा किसी ने चेक करने के लिए, रोका होगा, अभी तो हमने सिर्फ रोका है, बात भी नहीं की गई, ठीक है, अभी आपको चेक करवाया है सिर्फ, ठीक है, आपके अलावा हमने अभी इसके साथ ना इसे ये कहा है कि बंद करवा रहे हैं, ना इसे कुछ, ये खुद कहता है कि मुझे बंद करवाओ मैं सड़क बंद करूंगा, वैसे तो नहीं होता ना, आप इसकी नोजल पंप साफ करवाओ, हमें कोई मसला नहीं है, चलें, वार्निंग वाला चक्कर है बस, वार्निंग वाला, जी बिल्कुल एग्जैक्टली, क्या मसला सर इसको, आपकी गाड़ी भाई साहब लड़ रहा है, वो मसला लड़ेगा, वो पागल तो नहीं है, देखे मेरी बात सुने, एक मिनट इनसे, डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, कुछ आड़ तो नहीं है, गाड़ी रोकी है, इनको चेक करवाई है, इनके सामने गाड़ी ने धुआं दिया है, उसे कहा है कि इसकी नोजल पंप और इसका काम करवाओ, इसकी कार्बन साफ करवाओ, बाकी आप बता दें, उसने कहा अभी मेरी बात सुने, इधर 50 गाड़ियां आप रोक ले, डीजल डीजल गाड़ी चेक करवाते हैं, आए चेक करवाते हैं, आ जाओ, ठीक है, लेकिन वो सही है, कराएं जी कराएं इनके अरे ना मेरी बात सुनो, डीजल गाड़ी होती है, अगर छोटा मोटा मसला आपको, आपने बता दिया भाई साहब, करे ना, वो उनके पास भी डीजल गाड़ी है, करें चेक मर्जी के मुताबिक, रेस दें वो बता, सुने ये मजदा गाड़ी और चीज है, दूसरी डीजल गाड़ी और चीज है, डीजल की बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि मजदा की बात कर रहा हूँ, मजदा ये आप कितनी गाड़ी मर्जी भी नहीं करते, अगर सही हो ना वो नहीं करते, आप इसको चेक करें, आप इसको चेक करिए, डीजल गाड़ी है भाई, वो लोडर गाड़ी में और इस गाड़ी में आप एक जैसे मैच कर रहे हैं, कैसे मैच कर रहे हैं आप, हमें भी बताए ना, डीजल गाड़ी है, डीजल की बात करें तो ये गाड़ी जा रही है, इसको रोके अभी, अभी चेक करें इसको, नहीं मसला होगा तो जो कहेंगे हम गलत कह रहे हैं, कह रहे हैं छंड का रेस, जो कि हर गड्डी धुआं मारेगी, एक पैर तो रेस दे धुआं बखाया उन्हें, गाड़ी की अगर कोई मसला हो ना तो फिर तो बंदा कहे हमें समझ में आ रही है, पासिंग हमने तो ना घर बनाई,
ये गवर्नमेंट ने की हुई ना, विक्स की पासिंग चलती है भाई, विक्स की जब गाड़ी विक्स का लेके बाहर जाएगी तब विक्स की होगी ना। इधर बात सुनो, हम आपकी पासिंग नहीं चेक कर रहे, हम आपका स्मोक मिशन चेक कर रहे हैं। यू आर फेल्ड इन दैट टेस्ट, ठीक है, हम आपकी गाड़ी बंद कर रहे हैं। आप नेक्स्ट उसको मौका देंगे, भाई आपका ये मसला तो आप ये क्लियर करा दे, मेहरबानी। मैं उसे बंद कर रहे हैं सर, आप मानेंगे आपकी गाड़ी का धुआं है? जब होगा मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं है, होगा नहीं है, अभी है धुआं, ठीक है हम उसको, ठीक है। ये कहता है जी गलत चेकिंग कर रहे हैं, ये गाड़ी खड़ी डीजल चेक करो इसे, आता धुआं। मेरी बात सुनो, छोटी गाड़ी में लोडर गाड़ी में फर्क है सर, मैं अनपढ़ उसके लिए वो माजरत करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, इसको बंद करेंगे हम, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन करेंगे यार। ये आप अगर देख, हमने इसका हम चेक करते हैं, वो यही कहता है जी गलत चेकिंग कर रहे हैं, मैंने भी करवाया गाड़ी का, मैं कहना को ये देखें तो नहीं ठीक हुआ, ठीक है। अगर जो छोटा मोटा इसमें मसला तो आपने उसको बता दिया, वो हमें आपके बताएगा, हम कर देंगे। एक्शन कर रहे हैं ना, हमें एक्शन करने दें, आप हमें रोक तो नहीं सकते कि आप थ्रेट करना शुरू कर देते हैं? कब रोक रहे हैं? थ्रेटिंग आवर पीपल, ये क्या मजाक है यार? तो आप हमें बताए ना, उसके पास तो फिटनेस है, वो तो वो यही बताएगा ना कि सर मेरी पासिंग क्लियर है। हमारे से कोई लेना देना नहीं, विक्स की सर्टिफिकेशन इसलिए मांगते हैं कि उस पर स्मोक आपके एनालिसिस हुआ होता है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आपके ट्रांसपोर्ट की। आप मेरी गाड़ी का चलान के उसकी विक्स की पासिंग है, इधर ही किया 2000 का, देरी होगी ना, विक्स की पासिंग है, दो दिन पहले पासिंग हुई है गाड़ी की, होगी वो धुआं कैसे दे रही थी? चिट ला के दिखा दूं, चले उसको देख लेते हैं, उसी को ले आओ, ले आओ ना, आप आओ ना, अभी बोलता हूँ। नाज़रीन, ये जो हमारे रवैये हैं ये लोगों के, चाहे वो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स के साथ हों, ये रूटीन है, ये हर सड़क पे हमें नजर आता है कि हमें अदम बर्दाश्त बहुत है। लोडर गाड़ी छोटी गाड़ी जो फर्क होता वीर, 3000 सीसी गाड़ी है, लोडर उसका कितना कितने सीसी है? 500 सीसी, 500 सीसी से फर्क पड़ गया, फर्क तो 1 इंच का भी ज्यादा, 1 इंच का तो नहीं ना यार। ये तो आप ना बात कर, मेहरबानी आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो आपके आगे बहस तो नहीं कर रहे हैं, आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं, आप फूल नहीं कर सकते इंस्पेक्टर्स को, ठीक है कार्रवाई करें यार इनके खिलाफ। अच्छा अली जा साहब, जितने भी ये मज़दा ट्रक बड़ी गाड़ियाँ मोस्टली ये मेरी बात सुनिए आप, ये कोई भी गाड़ी है ना मज़दा जो डीजल लोडर में और एक कार है और एक शायद और है, उसमें फ़र्क होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि वो लोडर है ये सवारियों के लिए, ये पब्लिक में आधे 2-4 आदमी बैठते हैं, इसमें 5-5, 10-10 टन वजन होता है गाड़ी में, तो अगर कार्बन आ रहा है तो आप भाई ओवरलोडिंग भी तो हम ही लोग करते हैं ना, नहीं है ना, रूटीन में करते हैं, इसीलिए गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाता है। कंटेनर है ये तो ओवरलोडिंग होता ही नहीं है मैडम, आप मेरी बात सुने, ये देखिए बंद है, ये कहाँ से ओवरलोडिंग होगा, ये ऊपर से ओपन होगा तो ओवरलोडिंग भी होगा, नहीं जब भारी चीजें रखेंगे इसमें भी ओवरलोड हो जाएगा, ऐसी बात है, ये होती है ओवरलोडिंग सर। मोटर वे पे ना 10 टन पास है, उसके अलावा नहीं पास है मोटर वे पे 10 टन। अली जो सब रवैया लोगों का, क्योंकि ये जो हम इन गाड़ियों की बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस इशू है, इतनी पुरानी गाड़ियां हैं, लेकिन सबके पास मोस्टली ड्राइवर्स के पास जवाब एक ही होता है कि डीजल गाड़ी जब आप एक ही दम रेस देते हैं तो वो धुआं छोड़ो। इसलिए आज हमारे पास भी लकीली एक डीजल गाड़ी अपनी भी मौजूद थी, तो हम इन्हें ले आए हैं कि यार उसी तरीके से हम अपनी गाड़ी इंस्पेक्ट करते हैं, अगर वो धुआं देती है तो फिर हम अपने भी बंद करते हैं, अपने भी बंद करते हैं, इस पर जब वो ठीक चल रही है तो ये भी डीजल गाड़ी है, इसे भी ठीक चलना चाहिए। ये एक एक्सक्यूज़ होता है, क्योंकि एज अ नेशन हम समझते हैं कि शायद एक्सक्यूज़ के साथ या गलत बयानी के साथ हम बात, आप अपनी गलती माने, चीज़ ठीक कर लें, आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। बिल्कुल जी, गलती मान के अगर चीज़ों को ठीक कर लिया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। आगे एक और हमारे ट्रक वाले भाई, प्याज है, लहसुन है इसमें, और ये कौन से शहर से सामान लाए हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। क्या क्या आज हमारे लिए ले आए लाहौर वालों के लिए? ये प्याज है जी। प्याज है, लहसुन भी, थूम है जी, अदरक भी है, हाँ जी, लहसुन भी है, हाँ जी। अच्छा जी, कौन से शहर से लाए? ये इधर लाहौर मंडी से लाए हैं, मुल्तान चुंगी जा रहे हैं। मुल्तान चुंगी जा रहे हैं जी जी। अब क्या हो गया इधर? इधर वो धुएं का 2000 का चलान कर दिया उन्होंने, वो हमारी रात गाड़ी बजी पीछे, उन्हें कागज साढ़े काट लेने सारे, तो इन्होंने आखा कागज साढ़े निकल, लाइसेंस भी है सारा कुछ है, उन्हें 2000 का जी जुर्माना कर दिया। गाड़ी धुआं क्यों छोड़ी है, ठीक क्यों नहीं करा? मार दी, नहीं मार रही, चेक कर। चालान कैसे हो गया सर? उनकी गाड़ी धुआं नहीं दे रही, आपने चालान कर दिया। आपको हम अभी डेमो देते हैं, वो कह रहे हैं धुआं नहीं छोड़ी, आपने चालान कर दिया। नहीं, हम बिला वजह तो चालान करते ही नहीं है ना, हमारा किया इन्हें बिला वजह किया चालान इन लोगों ने। मैं स्टार्ट करता हूं, ये धुआं मारे जो मर्जी कर, एक्सीलेटर दबा दबा के ना मारे, आस्ता आस्ता जोर से मारे, पूरा कर ले, धुआं मार दो जो मर्जी कर ले। खड़ी होती है जब इसको ये स्टार्ट करते हैं, करने के बाद जब इसको पहला गियर डालते हैं तो गाड़ी का प्रेशर बनाते हैं, और तब पीछे जो है ना वो आलूदगी के अंबार लग जाते हैं। रोड पर कोई भी नहीं बनाता, रोड पर प्रेशर कोई भी नहीं बनाता है। ये कहती हैं कि ये विक्स की पासिंग करवाएं, वहाँ से धुआं पास होगा, वो यही चीज़ पास करते हैं, फिर जब ये स्टार्ट करके करेंगे तो वो प्रेशर बनाएंगे भी तो धुआं नहीं निकलेगा।
ये कहते हैं कि चलती गाड़ी में धुआं नहीं है, मकसद ये है कि जब गाड़ी इनकी वहाँ से आ रही है धुआं नजर आ रहा है। जिस चीज अच्छा अब मुझे मुझे जो मसला समझ आ रहा है ना, वो कह रहे हैं गियर टू गियर ऊपर जाए और आप नहीं धुआं मारेगी गाड़ी, गियर पर गियर जाएगी नहीं धुआं मारेगी, ये एस्केलेटर छोड़ छोड़ कर मारते हैं, वो धुआं तो मारती, नवी गाड़ी लेके आ जाए धुआं मारेगी। आ रही है ना पीछे से, जब पीछे से आ रही है तो इनका धुआं नजर आ रहा है और जिस गाड़ी की विजिबिलिटी नजर आ रही है आपने इसलिए रोका इनको, इसलिए रोका है। फिर एनवायरनमेंट इंस्पेक्टर साहब ने चेक किया, उन्होंने फिर मुझे बुलाया कि इनको चलान दें इनकी गाड़ी का धुआं। ठीक ही करा लें, सुन लें उनकी बात, वो हो गए सच्चे नाम कूड़े इन्हें लोगों ने तो गलत होना नहीं, गलत नहीं भाई मेरे अच्छे। हमने ये बात की है कि आप एक विक्स की पासिंग है 1000 की, जो लाहौर में कला शाह काकू पे ठोकर पे जोहर टाउन में होती है वो पासिंग, वहाँ पे जब जाते हैं ना ये फेल हो जाते हैं, मसला क्या ये करवा के आते हैं कजूर वाली साइड से फिटनेस सर्टिफिकेट ले आते हैं, अब वो जज साहब ने ऑर्डर दे दिया कि जी उस पर नहीं चलेगा काम, ये करवाएंगे तो लाहौर में आना है तो इनके लिए विक्स कंपलसरी है, अगर इनके पास विक्स होती तो मैंने इनकी गाड़ी चेक भी नहीं करनी थी, कि मुझे पता है कि विक्स वालों ने पास ही तभी करनी है जब गाड़ी के इंजन और इसका धुआं बिल्कुल नोजल्स फिट होंगे। कहाँ से आए भाई सब, लाहौर में ही रहते हैं? कान चुंगी से। अच्छा लाहौर में ही रहते, लाहौर से रहते। अच्छा आजकल फजा बहुत आलूदा हो गई है, स्मोक स्मोक सुन रहे हैं, कुछ पता है क्या है स्मोक? पता है कितनी खतरनाक है? खतरनाक है भाजी, ये मसला है ना, ये गाड़ी नहीं खलोती, उसको रेस दें वो धुआं देगी, कोई गाड़ी कार डाक लें उन्हें रेस छाड़ छाड़ के देंगे उससे टाइम धुआं देगी, हर गाड़ी देगी, हर गाड़ी देगी, गाड़ी देगी मजदा। अच्छा मजदा देगा या हर गाड़ी देगी? हर गाड़ी देगी, डीजल गाड़ी हर देगी। हाँ इधर धुआं मार लिए राज साहब, आपकी गाड़ी में फिर बात आ गई। हाँ मारेगी, छोड़ छोड़ के मारेंगे आपकी गाड़ी को, मारेंगे इनके पास भी गाड़ी, उनको छोड़ छोड़ के मारें, आप रेस दें वो मारेगी धुआं, आप रेस दें देखते हैं, मारेगी मारो मारो जो चाहिए, आप खुद देना, मैं क्यों जाऊंगा अपने, हम लेके चलते हैं, गाड़ी मारती है, आप चेक करें ना, हर गाड़ी मारती है, ये भी हमारे मजदे मारते हैं, इनकी भी बंद कराते हैं, वो छोटी गाड़ी ने वो आप उसके मुताबिक धुआं मारेगी, डीजल 3000 सीसी बड़ी ना, वो छोटी गाड़ी है वो उसके मुताबिक धुआं मारेगी, आपकी कितने हमारा हमारी बड़ी गाड़ी है, बात नहीं माननी, इशू यही है, तो हम आप कह रहे हैं हर गाड़ी धुआं छोड़ेगी, अब हम कह रहे हैं हर गाड़ी बाजी हर गाड़ी धुआं छोड़ती है, चेक करते हैं ना उनकी गाड़ी, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, आप धुआं चेक कर लेना कितना धुआं मारती है, मेरे भाई हम कह रहे हैं कि वो गाड़ी भी चेक करते हैं, और आप खुद जिस तरह ये आपकी गाड़ी चेक करते हैं ना, आप इनकी गाड़ी चेक करते हैं, धुआं मारना हर गाड़ी धुआं मारती है, आए ना दिखाए, अच्छी बात है ना, साबित हो जाएगा कि आप ठीक कह रहे हैं ड्राइवर भाई हमारे, बस ठीक है बाजी, ये सच्चे हम कूड़े हैं, अरे भाई सच झूठ की बात नहीं, झूठ की बात नहीं, वो गाड़ी उसके मुताबिक मारेगी वो धुआं, वो उसके मुताबिक धुआं मारेगी, ज्यादा नहीं मारेगी, दिखाए ना उसका है उतना मारेगी, वो भी डीजल है 3000 सीसी है, नहीं हम नहीं दिखाएंगे मेहरबानी थोड़ी, दूसरे ड्राइवर भाई भी नहीं इस मामले में आए, चलें उसमें आप उनकी मर्जी है, हम लीगल कार्रवाई इसीलिए कर रहे हैं, वो लोग बहस करना शायद जरूरी समझते हैं कि उसके साथ चलें, वाकई जी ये ड्राइवर्स का भी मामला है कि गाड़ियों को उस तरह से मेंटेनेंस नहीं करवाई जाती, लेकिन दूसरी जानिब जो गाड़ियों के मालिकान हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस सारी सूरत हाल में अपनी गाड़ियों को ठीक रखें, लाहौर शहर आलूदा होती जा रही है, बागों का शहर ख़राब होता जा रहा है, ये देख लीजिए आप, ये हमारे वही लोग हैं जो इन लोगों को रोकते हैं और धक्का लगा रहे हैं, LTC के अहलकार हैं हमारे, ट्रैफिक वार्डन भाई हैं, और ये इस ये जो ट्रक है ट्रॉलर है ख़राब हो गया है सड़क के बिल्कुल बीचों बीच, और ये धक्का लगा रहे हैं, मैंने देखा और मैं इसीलिए इस साइड पे आए, और जब इनको रोका जाता है तो यही वो लोग होते हैं जो कि बदतमीजी कर रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि बात भी तरीके से नहीं सुन रहे होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया भाई साहब इसे? ये बंद हो गया चलता चलता, खुद ही बंद हो गया जी, खुद ही बंद हो गया, क्या खराबी है इसमें? टॉर्चर लगेगा, टॉर्चर लग के साइड पे, पहले भी बंद हो जाता है या आज अचानक? नहीं अचानक ही हुआ, अचानक धक्का कौन कौन लगा रहा था? धक्का तीन जने लगा रहे, कोई आ रही आप? सारे अफसरों को आपने धक्का लगाने लगाया हुआ है जी, सर जी करो कुछ, यहाँ पे ना आदमी एक्सपायर हो जाता है लेकिन गाड़ियों की एक्सपायरी कोई नहीं है अवेलेबल, तो इसकी वजह से इस तरह की हालत जब होगी, इस तरह के लोग गाड़ियाँ जो उनकी रोड के ऊपर होंगी तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। सर मैं आपको ही देख के आई हूँ कि अभी झगड़ा हो रहा था, आप सबको बड़ा बुरा भला कहा जा रहा था, और अभी आप लोगों की हेल्प कर रहे थे, धक्के लगा रहे थे कि किसी तरह से। तो मैम रोज की बात होती है, इनकी गाड़ियाँ ठीक नहीं है, ये काम नहीं करवाते अपनी गाड़ियों का, ये अंडरस्टूड है,
100% फैक्ट जो है ना वो ये है कि ये गाड़ियों के काम नहीं करवाते, उस वजह से इनका धुआं भी आता है। अब ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही, अब हम इसको धक्का लगाएंगे, साइड पे करवाएंगे, अब ये देख लें सड़क पे खड़े होकर किसी बंदे ने इसकी हेल्प नहीं करनी, वो भी हम ही करेंगे। अच्छा सर, लोगों के रवैये ज्यादातर गुस्से वाले, अदम बर्दाश्त वाले या ज्यादातर समझने वाले? लोगों के रवैये जो है ना वो आजकल जो हालात जा रहे हैं ना वो हालात के मुताबिक, कोई घर से तंग है, किसी की इतनी इनकम नहीं है, उसके बिल्स इतने आ रहे हैं, वो एक हर इंसान इकला ज्यादा जो है ना वो अपनी टेंशन में मौजूद है। फिर जब आगे हम उसको रोक लेते हैं तो वो उसका जो घर का सारा गुस्सा था ना वो हम पे निकालता है। फिर हमारी जो सीटीओ साहब ने हमें कहा कि यार आपने सब्र का पैमाना लबरेज नहीं करना, आपने जारी बात है जिसको आप चलान दे रहे हैं उसको तकलीफ तो होगी, फिर वो थोड़ा सा बोलेगा भी, लेकिन आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। तो वो जो उतना हमें उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं हम उतना बर्दाश्त करते हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे भी नहीं होते, कई लोग नहीं भी करते, कुछ लोग करते भी हैं। आपके सामने अभी जो है जितना वो मस्जिद वाला वो कर रहा था, तो कुछ नहीं भी करते, कुछ आराम से करवा लेते हैं, ठीक है उनकी गलती। मसला कहते हैं कि वो अपनी गलती को एडमिट करते हैं, जो एडमिट नहीं करते उन्हें गुस्सा आ रहा है, जिसको पता होता है कि हाँ मैंने ये गलती की है, मेरा वाकई फॉल्ट है, तो ये सही कर रहे हैं जी चलान जो कर रहे हैं, तो वो आराम से करवा के चले जाते हैं। ठीक है नाजरीन, आपने मामला देख लिए, गाड़ी दिखाइए जल्दी से। अब ये देखिए, ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक चल रही है, लेकिन उसके बावजूद गाड़ियां इतना धुआं छोड़ रही हैं, और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारे ये लोग, हमारे महकमों के जो अहलकार हैं वो लोगों को रोक रहे होते हैं, और फिर लोगों के रवैये आपके सामने। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, डीजी महकमे माहौलियात से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इतनी कार्रवाइयाँ होने के बाद भी स्मोक क्यों बढ़ती जा रही है। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, महकमा माहौलियात की टीम इंडस्ट्रियल यूनिट, अली एजाज डेप्टी डायरेक्टर है महकमे माहौलियात के। अली साहब, ये क्या हो रहा है, यहाँ तो खड़े होना मुहाल हुआ हुआ है। ऐसे ही है जी, इसलिए बंद करने आए हैं। ये कार्बन पाउडर और कोल को मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं, साथ लकड़ी भी जला रहे हैं इसमें, मगर मेजर इशू इनका ये कार्बन का है, और इनका जो स्क्रबर है वो एफिशेंटली काम नहीं कर रहा, इसलिए हम आए हैं। दरवाजे इन्होंने बंद कर लिए थे, तो अब एंटर हुए हैं, तो बंदे शंदे इनके भागे हैं, कोई नज़र ही नहीं आ रहा, यूनिट चल रहा है और सब आस पास हो गए, बस वो दीवार शुमारे हैं कोई नहीं इस यूनिट की, और वो निकल गए हैं साइडों पे ताकि इन्हें अरेस्ट ना किया जा सके। अच्छा खासा बड़ा यूनिट है, कोई छोटा सा सेटअप नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बेसिकली तो स्टील मिल है, तो यूनिट तो बड़ा है, मगर ये सब स्टैंडर्ड फ्यूल की वजह से हम इसको भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। पहले भी विजिट हुआ इस जगह का या फिर फर्स्ट टाइम विजिट है? नहीं, पहले भी इसको विजिट हुआ है, इसके ऊपर सिस्टम देखें तो लगा हुआ है, आपको स्क्रबर वो पीछे नज़र भी आ रहा है, तो इस पर चेकिंग तो है, बट इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस, और सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ करना तो अलाउड नहीं है। ये जी कार्बन पाउडर है जो कि बैन है, साथ में लकड़ी भी रखी गई है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये जो कार्बन पाउडर है ये इंतहाई ख़तरनाक है, ये बहुत बड़ी मिकदार में पीछे भी पड़ा हुआ है, इसको ज़ाया किया जाएगा, क्या किया जाएगा, या सिर्फ फाइन हो? नहीं, इसे भी हम मिल को सील करने लगे हैं, और जो सारी चीज़ें वो कन्फिस्केट कर लेंगे इसके साथ। कोई मैनेजर, कोई अमला, मुलाजिम कोई भी नहीं है इधर? तो वो देखते हैं अपना इंशाल्लाह, इन पे FIR भी लाजमी करेंगे ऑनर के ऊपर और जो इनका मैनेजर है उसके ऊपर। नाज़रीन, यूनिट पर छापा, और हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं काम शाम छोड़ के इधर आ गए, इन्हीं से हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह दुआ। ठीक है, सब भाग क्यों गए, सब लोग एक साइड पे? इन लोगों ने डराया बस, एवं को डंगा ले नाल होंदे ने, यही मजदूर लोग है, यही इतने मजदूरी कर आंदे हैं, सानू कोई ऐसी परेशानी नहीं है, साढ़े 10-10, 15-15 जी ने घर खाने वाले, दिहाड़ी लाने तो चूल्हा गर्म होना। हाँ जी, इन्होंने क्या डरा दिया आपको? इन्होंने सब ने डराया जी, उन्होंने डंडिया ले आंदे ने, तो बंदे बेचारे सारे नत्त पास जाते हैं, इसे वजह से बस। आपको पता है छापा क्यों पड़ा है, क्या गलत क्या हो रहा है यहाँ पे फैक्ट्री में, पता है आपको? मैडम साहब, इस चीज़ का सानू कोई इल्म नहीं होगा। ये जो ईंधन इस्तेमाल होता है पाउडर सा, ये क्या है? ये कार्बन ही कहते हैं सारे। अच्छा, कार्बन पता है किसका बनता है, क्या होता है? नहीं पता। सेहत ठीक है सारे मजदूर भाइयों की? हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, किसी को कोई मसला नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। सारी आवाम लाहौर की बीमार होती जा रही है, स्मोक का पता है कुछ आपको? वो तुहाड़ी गल सही है, इतने रह के नहीं बीमार होता, सानू पता, साढ़े को 10 चीज घर खाने वाले गए, तो परेशानी तो है ही है ना, जब इस दिहाड़ी नहीं लगनी तो घर की देना, कोई इमरान खान दवावा देता है कि जो इन महंगाई करके आए, इतों 1000 की दिहाड़ी लाई थी घर जाए, टूटा मुहता होंगे,
आज जो भी ना लगी तो और काम करा। लकड़ी कोयला इस्तेमाल क्यों नहीं होता, वहाँ पड़ी तो हुई है लेकिन कार्बन इस्तेमाल कर रहे हैं इधर। इधर वेच मालकन को फायदा होगा, हर बंदे ने रोटी लभे तो फिर ही है ना। हूँ इतने 100 बंदा काम करता, कोई 400 मगर खाने वाला हो तो यही जो फायदा करी जा रहा। आपको पता है कि कार्बन पाउडर सेहत के लिए खतरनाक होता है, ये बैन है, इसको नहीं जला सकते इंडस्ट्रियल यूनिट्स, पता मालूम है हमारे भाइयों को? बिल्कुल सही गल पता है आपको। हाँ तो मजदूरी करिए तो फिर की करिए, पता है आप। हाँ लेकिन फिर भी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं कि घर चलाना। बिल्कुल सही गल। हाँ जी, कभी सारे मजदूरों ने कहा नहीं मालिक को कि कुछ ख्याल हमारा भी करे, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरे में इस वक्त आप हैं। नहीं मालिक ने की कहना, मालिक कहता नहीं करना, और कोई आ जाएगा, थे कहीं जावांगे और कोई आ जाएगा ऐसा। हाँ जी, कितनी फैक्ट्रीज में हर थान ते कोई चलता पे। कहाँ कहाँ पर ये चल रहा है? ये तो खानों को पता नहीं, जिन्हें भी मिला ने चला रहे हैं लोग सारे, कोई कोला चला रहा है, कोई कार्बन चला रहा है। आपने कहाँ कहाँ काम किया? मैं तो बहुत देर ही हो गया लग गया। कितने साल हो गए? छह साल हो गए। छह सालों में कितनी बार लकड़ी इस्तेमाल होती है, कोयला इस्तेमाल होता है, कितनी बार कार्बन? कोला तो तेल इस्तेमाल कर दे, वो बहुत महंगा हो गया, उनकी वजह से फिर बेचे नाल करन लग पे। यही चल रहा है, भी मंगाते ने अज कोला शॉर्ट होया साडा, अगे विच कोला चलाउंदे ने विच कार्बन चलाउंदे ने। जिस दिन छापा पड़े उस दिन लकड़ी कोयला शॉर्ट हो जाता है, कार्बन आ जाता है, ऐसा ही है। जी ऐसा ही है भाई साहब। कितनी बार छापा पड़ा आपने देखा? छह साल आए थे। दूसरी बार पहले कब हुआ? पहले बाबा 3 हफ्ते हो गए मेरा क्या। 3 हफ्ते हो गए बंद हुआ यूनिट। हाँ जी। कितने दिन बंद रहा? 2 दिन रहा। 2 दिन बंद रहा। कोई फाइन वाइन हुआ था? पता नहीं, अच्छी आइलम कोई कुछ नहीं पता। अब किसको फोन करेंगे, कैसे मालिक तक खबर पहुंच गई है कि इधर कोई कार्रवाई हो गई है? या ये नहीं पता, ही तो मजदूर हम मालिक का दफ्तर दूसरे वाले को पता होगा, सानू ये चीज का कोई इल्म। क्या हाल भाई साहब? मुझे नहीं पता, इससे भी पता। इतने गुस्से में क्यों हैं? नहीं नहीं हम तो हमने क्या कह दिया आपको? हम तो कुछ भी, आपकी सेहत के लिए आए हैं, बीमार हो जाएंगे ये कार्बन जितना चल रहा है यहाँ। कोई बात नहीं, मेहनत भी करनी, खाना भी तो है ना। आप बीमार हो गए, बच्चों का कौन, घर वालों का कौन ख्याल रखेगा? और कारोबार ही नहीं है। काम आप करें लेकिन लकड़ी इस्तेमाल होनी चाहिए ना इधर, लकड़ी भी इस्तेमाल तरीके से काम हो ना आपका, काम तो आपने तो मजदूरी करनी है। हाँ जी, लकड़ी भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। आज गुस्सा क्यों है भाई को? नहीं हमें तो गुस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिहाड़ी लगेगी तो आप मेरे बच्चे खाएंगे ना, तो बंद होगी तो हम कहाँ से खाएंगे? आपको पता है एक करोड़ लाड़ के गुस्से चले। अच्छा मेरे भाई मुझे बताइए, ये ईंधन जो इस्तेमाल हो रहा है कार्बन, पता है खतरनाक है, स्मोक क्या होती है कुछ मालूम है आपको? कुछ नहीं पता, कभी नहीं सुना स्मोग? नहीं। अच्छा लकड़ी अच्छी, कोयला अच्छा या कार्बन अच्छा? कोयला लकड़ी, कोयला लकड़ी। कार्बन में क्या मसला? कार्बन ये मालकों को पता होगा हमें क्या। नहीं आप बता रहे हैं ना कि कोयला लकड़ी अच्छा है, कार्बन अच्छा नहीं है। कार्बन से क्या होता है आपको कैसे लगता है कि वो धुआं होता है, गंदा गंदा काला धुआं? हाँ जी। सांस लेने में दुश्वारी? हाँ। बीमारी? हाँ जी। बीमार होते हैं भाई हमारे इधर? बीमार तो बहुत दुनिया हो रही है। ठीक है जी, मजदूर भाई हैं जी, इनको तो बस दिहाड़ी से अपने रोजगार से मकसद है कि कुछ भी हो घर चलाना है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। और सर ये FIR करवाने के बाद क्या कार्रवाई होती है, इनको पेश होना होता है, जुर्माना होगा या फिर किस तरह से चीजें चलेंगी आगे? FIR के बाद इनकी गिरफ्तारी भी होती है, वैसे तो काबिले जमानत है, लेकिन उसमें जो अभी हमारे पास हाथ लगता है बंदा, वो अरेस्ट भी कर रहे हैं, पुलिस वाले साथ हैं, उनको साथ लेके जाएंगे और फर्दर इसकी कार्रवाई तो अदालत डिसाइड करती है, उसमें कैद भी है और जुर्माना दोनों सजा। ठीक है अली अजा साहब, कितने यूनिट्स हमने पहले भी देखा कि हम आपकी तरफ से सील किए जाते हैं फिर ओपन हो जाते हैं, जहाँ पर ये कार्बन पाउडर बन रहा है उन फैक्ट्रीज को क्यों नहीं फोकस किया जा रहा कि जड़ को ख़त्म किया जाए? देखें इसमें इशू ये है कि सिंध के एरिया में ये लीगली अलाउड है मैन्युफैक्चर करना, उनके पास अप्रूवल्स भी हैं, कराची इज़ द मेन हब, यहाँ अगर आप सादिकाबाद या इस साइड इंटीरियर सिंध देखें उस साइड पे भी अलाउ है, KPK में भी कुछ यूनिट हैं जिन्हें लीगली अलाउ है कि वो करता है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि हमने सारे यूनिट्स डिमोलिश कर दिए थे, मगर कार्बन की सप्लाई फिर भी नहीं रुका था, कार्बन उसी तरह ही वो सिंध से आना शुरू हो गया था। अभी भी मेजर पोर्शन जो बाहर से आ रहा है, क्योंकि लाहौर के सारे प्लांट बंद हैं इस टाइम, उसमें कुछ जो हैं वो पिछले साल के डिमोलिश हुए हैं, कुछ अभी तक बंद हैं वो। अच्छा सर ये जो खिलाफवर्जियाँ करी हैं फैक्ट्रीज, उनको बस 1-2 रोज़ के लिए ही बंद किया जा रहा है या मज़ीद सख्ती कर दी गई है कि अब स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है?
इसमें इस तरह है कि कोई भी फैक्ट्री उस टाइम तक डी सील नहीं की जा रही जब तक एक तो वो ऑनलाइन एक्सेस ना दे दे, सेकंड वो अपने जो स्क्रबर है उसको ट्यून अपना कर ले, थर्ड उसमें जो सब स्टैंडर्ड अगर फ्यूल पड़ा है तो वो उसको डिस्पोज ऑफ ना कर दे। ये तीन कंडीशंस अगर कोई कंप्लाई कर लेता है तो उसको डी सील कर दिया जाता है कंडीशनली, कि वो 7 डेज के अंदर प्रॉपर लैब एनालिसिस रिपोर्ट करे अपने सिस्टम की ताकि पता लग जाए अगर वो फॉल्टी है तो उसे ठीक कर ले और हमें भी उसकी एफिशिएंसी का अंदाजा हो जाएगा वो कितना एफिशिएंट। सर यहाँ पर एक तो हो गया ये कार्बन का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा यहाँ पर क्या कैमरास वगैरह इंस्टॉल हैं, फंक्शनल नहीं है या इंस्टॉल ही नहीं है? नहीं, इसमें इंस्टॉल ही नहीं है। अगर आप देखें तो कोई कैमरा नजर भी नहीं आ रहा हमें फर्नेस पे या जो इमिशन कंट्रोल डिवाइस है उसके ऊपर लगा हुआ। तो सबसे पहले कैमराज ये लगाएंगे, उसके बाद ये अपने इमिशन कंट्रोल डिवाइस को ट्यून अप करेंगे, मीनवाइल ये जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल पड़ा है इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करवाएंगे। थर्ड, इस टाइम हमें ये भी देखना पड़ता है इकोनॉमिक कंडीशन है लोगों की, हम कंटिन्यूस इन यूनिट्स को बंद नहीं रख सकते, हम चाहते भी नहीं है। मजदूर बहुत परेशान हो रहे हैं कि उनकी दिहाड़ियाँ नहीं लगेंगी तो घर कैसे चले, डेली वेजेस पे वो होते हैं तो उस चीज़ को कंसिडर किया जाता है, मगर कोई ऐसा यूनिट अलाउ नहीं इस टाइम तो किया जा रहा जिसपे सिस्टम नहीं लगा और वो खुल जाए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आप यहाँ कैसे? हम वासा की तरफ से ना बिलिंग की रिकवरी के लिए हम आए हुए थे। हाँ। और अभी तक इनका कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है। अच्छा, आप महकमा वासा से आए हैं, क्या शिकायत हो गई इनकी? इनके बिल ही नहीं पे कर रही है पानी के काफी अरसे से, और हम आज आए थे इनको मिलने के लिए कि क्यों नहीं बिल के पे कर रहे, और स्टाफ कोई भी नहीं अवेलेबल इनका, बल्कि इनका अपना एक स्टाफ था, हमारा ये स्टाफ मेंबर है जो बिल के लिए रिकवरी के लिए आया, फील्ड इंस्पेक्टर है ये, इसके साथ इसने बदतमीजी की, इन्होंने मोबाइल इनसे स्नैच किया, टैंक का तोड़ा है, तो हम उनसे फिर सारे मिले। क्या हो गया आपके साथ इधर? मैं ये पहले आया, उन्होंने काफ़ी 4-5 माह से ये बिल नहीं पे कर रहे थे, ठीक है, तो साथ मेरे ये इंजीनियर साहब हैं इनको लेके आए पिछले माह, तो इन्होंने कहा कि चले हम ना अपने साहब से मीटिंग करके ना आपको बताते हैं। मैं 4-5 दिन बाद आया हूँ तो इन्होंने कहा कि हम ना जितनी इंस्टॉलमेंट करते हैं हम उससे ज़्यादा नहीं करवाएंगे, जितनी करके देते हैं वो पे करवाएंगे। मैंने कहा नहीं, उससे ज़्यादा होगी। इन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं करवानी। मैं फिर उठ के बाहर गया, चला हूँ उधर जाके मैंने बिल मांगा उन्होंने, उन्होंने बिल नहीं मुझे दिया और सब मेरे से तजुर्बा भी किया, ठीक है, और मेरे मोबाइल भी तोड़ा है इन्होंने, ठीक है। मैंने अपने साहब को फ़ोन किया, वो टीम लेके मेरे पास आ गए। अभी कितना बिल रहता है, कितने के नादहिंदा है ये फैक्ट्री? तकरीबन ये 3 लाख से प्लस है। 3 लाख रुपए इन्होंने पे नहीं किया जी बिल्कुल। और कितने महीने हो गए नहीं बिल पे करे? पहले जो इंस्टॉलमेंट करवाते थे वो उससे पहले इन्होंने 5 माह से पहले इंस्टॉलमेंट करवाई, उससे बाद नहीं करवाई। तो सर अब क्या होने वाला है, क्योंकि महकमे माहौलियात की टीम यहाँ पे है, गैर मयारी ईंधन इस्तेमाल हो रहा है, कैमरा इंस्टॉल नहीं किया, स्क्रबर्स नहीं लगाए, तो खिलाफ वर्जियाँ लग रही है, ऊपर से हमें महकमा वासा भी मिल गया है, उनके भी पैसे ये फैक्ट्री नहीं दे रही। नहीं नहीं, इनके सी करेंगे हम ना, इनके सीवर भी बंद करेंगे, पानी डिस्कनेक्ट करेंगे हम, ताकि रिकवरी के मामला बेहतर हो। और ये सील इनके लिए है, ये जिस तरह ये कर रहे हैं इससे तो सीलिंग के अलावा और हल कोई नहीं इनके हमारे पास। ठीक है अली अजाज साहब, ये सर एक और आपका ही महकमा मिल गया है कि ये ठीक मामलात नहीं चल रहे इधर चलने, ये अच्छा है कि गवर्नमेंट के ये रेवेन्यू भी रिकवर हो जाएगा इसी सीलिंग के साथ इनका, तो इसको हम कंडीशन डाल देते हैं इसके ऊपर, ये वासा के रेवेन्यू भी हैं, और वो चूंकि जो जुडिशियल वाटर एंड एनवायरमेंट कमीशन है वो रेवेन्यू कलेक्शन भी देख रहा है इस पर जो एक्वाफर चार्जेज हैं, होपफुली इनके वो एक्वाफर चार्जेस ही पे नहीं कर रहे होंगे, तो ये अच्छा हो गया कि कंबाइन हो गए हैं। चलें जी नाजरीन, मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आ रही हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। लोगों की परेशानी तो आपने जान ली है, और जो इस वक्त स्मोक के मामलात हैं दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, वो भी हम वक्तन फवक्तन आपको आगाह कर रहे हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में टीम्स भी मौजूद हैं, एंटी स्मोक स्क्वाड भी बन चुके हैं, ज़िला इंतज़ामिया काम कर रही है, महकमा माहौलियात काम कर रहा है, तमाम डिपार्टमेंट जो जो जिम्मेदार हैं वो अपने अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने सालों से स्मोक कम होने के बजाय, ठहरने के बजाय, हर गुजरते साल हम देखते हैं कि ये अफरियत बढ़ती जा रही है। ख्वाजा मोहम्मद सिकंदर जिशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं महकमे माहौलियात के। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि महकमे माहौलियात, ज़िला इंतज़ामिया, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि स्मोक को कंट्रोल कर लिया जाए, पिछले बहुत सारे सालों से हम ये प्रैक्टिस देख रहे हैं, उसके बावजूद लाहौर शहर में वही फैक्ट्रीज़ हैं, वही खिलाफ वर्जी करती हैं, एक दिन बंद होती है अगले दिन खुल जाती हैं, बाय। बहुत शुक्रिया मैडम, ये एक बहुत ही बर्निंग इशू है, और मतलब इस वक्त जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी फरमाया
कि एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं हमारे बहुत ज़्यादा हैं और डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा है। उस हवाले में देखें, इंडस्ट्री एक सिंगल फैक्टर नहीं है, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और लेट्स से अगर हम तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील भी कर दें 2 माह के लिए, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल इम्पैक्ट नहीं आएगा, शायद 1/4 या 1/3 इम्पैक्ट आ जाए। चूँकि ये नंबर वन, एक तो ये रीजनल फिनोमेना, अगर आप अभी सैटेलाइट पिक्चर्स देखेंगी आज की भी, तो जितना इंडियन पंजाब है वहाँ पे स्टबल बर्निंग बहुत मैसिव हो रही है। तो जब विंड फ्लो होता है इस तरफ, तो ऑटोमेटिकली हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो डिटेरियोरेट कर जाता है। सो दिस इज़ वन फैटल फैक्टर विच इज़ हैपनिंग। बाकी जहाँ तक जो वायलेशंस और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमारे अपने पार्ट पे हो रही है, हमारे आवाम की सतह पे या इदारों की सतह पे, तो उस हवाले से इस दफ़ा बड़ी जामे पॉलिसी तश्कील दी गई है। जॉइंट टीम्स बनाई गई हैं डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में, तमाम अजला में जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है वो बहुत एक्टिवली उनको सपोर्ट कर रहा है, और एक लीड रोल लिया हुआ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने। अभी हमारा कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश है जो थ्रू एंड थ्रू काम कर रहा है, और हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इदारे हैं जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, उनके नुमाइंदे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं, पुलिस के, ज़िले इंतजामिया के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, कि जहाँ पे हमें ऑपरेशंस करने पड़ते हैं फौरी तौर पे, उसको भी हम कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम लाहौर की बात करें, विच इज़ इन फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वहाँ पे हमारे स्पेशल स्क्वाड्स मौजूद हैं जो ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और अभी तक गुज़िश्ता 1 माह में हम काफ़ी कंसिडरेबल एक्शंस ले चुके हैं, जिसमें हम मुतअद्दिद इंडस्ट्रीज़ को सील किए जो वायलेशन करते हैं रिपीटेटिव, उनके खिलाफ FIRs किए हैं, जुर्माने किए हैं। तो ये एक जो प्रोएक्टिव अप्रोच अभी आप देख रही हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की, वो इस दफ़ा हो रहा है पहली दफ़ा, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसके नतीजे। सिकंदर साहब, पिछले साल भी हमने देखा कि ये ज्वाइंट टीम्स बनाई गई थी, असिस्टेंट कमिश्नर्स भी इन्वॉल्व थे, DC साहब भी इन्वॉल्व थे उसमें, और कोशिश कर रहे थे मामलात को ठीक करने की। अब ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक का धुआं है जो कि स्मोक बनाने की वजह बन रहा है, वो तो हमारे यहाँ अपने ही है। चिंगची रिक्शा की बात कर लें, बाइक की बात कर लें, मज़दा की बात कर लें, ट्रक की बात कर लें, लोग मेंटेनेंस करवाते ही नहीं, भूल जाते हैं। और जब धुआं छोड़ती गाड़ियां हमारी फ़ज़ा को जहर आलूद कर रही हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट फिर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सारा साल हम देखते हैं कि उन गाड़ियों की, उन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करने की, अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं देखी जा रही होती। मैडम, मैं आई एम थैंकफुल टू यू, आपने इस पॉइंट को रेज किया। द थिंग इज दिस कि फायर फाइटिंग के थ्रू आप कभी भी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बगैर आप नहीं चल सकते। इस सीज़न में अगर हम फायर फाइटिंग करते हैं, हम स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स को या और जो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उनको अगर कैटर करने की कोशिश करें भी, तो वो एक बड़ी महदूद सी एक्टिविटी होती है। ज़रूरत इस अमर की है, जिस तरह आपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात की, तो एक हमारे पास इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर हो, और हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो रेगुलेटेड हो और वो इन पैरामीटर्स को पूरा करे, तो डेफिनेटली जो एक 43% का कंट्रीब्यूशन है इन दीज पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है, तो वो कंसिडरेबली कम हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें एक तो इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है महकमे करें, और दूसरा एक पॉलिसी लेवल डिसीजन की ज़रूरत है जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, अगर हम जनरलाइज बात करते हैं अपने रवैयों की और हमारे इदारों की, पूरी दुनिया में इस वक्त बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की, और पाकिस्तान तो उन ख़तरनाक ममालिक में शुमार हो रहा है जहाँ पे बहुत तेज़ी से मौसम बदल रहा है, ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। क्या उसके मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे सारे डिपार्टमेंट मिलकर? मैडम, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम अभी तक क्लाइमेट चेंज से दुनिया क्लाइमेट क्राइसिस की तरफ चली गई है, और पाकिस्तान इज़ 6th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द वर्ल्ड। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो लेवल ऑफ अवेयरनेस और वो लेवल ऑफ अर्जेंसी जो है वो कम अज़ कम अवामी सतह पे नहीं है। हुकूमती सतह पे डेफिनेटली बहुत काम हो रहा है, लेकिन जब तक अवाम को सेंसिटाइज करके हम अपने साथ उनको इकट्ठा लेके नहीं चलेंगे, तो तब तक ये हमारे लिए मसाइल आते रहेंगे। जिस तरह हम अभी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, तमाम और ऐसे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड कर रहे हैं। अभी हम एक कंसल्टेशन सेशन भी करने जा रहे हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करेंगे कि हम ये रियलाइज़ करवा सकें कि ये जो एक क्लाइमेट एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, उसमें तमाम इदारों का किरदार बशमूल अवाम के बहुत ज़रूरी है, कोई एक इदारा इसको सिंगल हैंडेडली। अफरादी कुव्वत बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि जितनी हमारे पास टीम्स हैं, पिछले साल भी मैं इस हवाले से बात करती रही हूँ, अब भी मुझे ये लगता है कि वो बहुत नाकाफ़ी हैं इन एक्टिविटीज़ के लिए और इन एक्शंस के लिए। मैडम, इसकी बहुत ज़रूरत है और इस पर काम हो भी रहा है, बल्कि EPD की एक रीस्ट्रक्चरिंग भी चल रही है, और इंशाल्लाह
आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये एक पूरा ओवर आर्चिंग थ्रू आउट द प्रोविंस, हमारी मैन पावर भी बढ़ेगी, कैपेसिटी भी बढ़ेगी और हम कोशिश करेंगे इसको ऑटोमेट भी करें ताकि हम जदीद दौर के मुताबिक चल सकें। बहुत शुक्रिया ख्वाजा सिकंदर ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद रहे, गुफ्तगू आपने सुनी और जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं वो मान रहे हैं कि ये इश्यूज़ हैं और उस तरह से हम इन तमाम चीज़ों को तमाम इदारे जो भी जिम्मेदार हैं लेकर नहीं चल रहे जिस तरह के चलना चाहिए। लेकिन अगर स्मोक पैदा हो रही है तो इसमें कसूर मैं और आप भी, हम भी जिम्मेदार हैं, हम भी कसूरवार हैं। अगर हमारी गाड़ियां हैं, बाइक हैं, हमारे पास चिंची रिक्शा है, कुछ भी है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमने अपनी गाड़ियों को खुद ठीक करवाना है, महकमों ने आके ठीक नहीं करवाना। मुझे अपनी इजाजत देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।